लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस किसी ने सही बोला है कि कभी ना किसी काम को ऊपर मतलब कल के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, मैं ना रोज़ सोचती हूँ कि मैं मुझे जाना है मतलब थ्रेडिंग बनवाने जाना है, तो मैं जा नहीं पाती हूँ। तो देखिए मैं आपको फ्रंट कैमरा से दिखाती हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखिए मेरी जो थ्रेडिंग है ना, मेरा फोर हेड काफ़ी इतना हो गया है, मतलब बहुत सारे बाल हो रखे हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं होली के बाद जाऊंगी, पर मैं नहीं जा पा रही। इसका भी एक रीज़न है क्योंकि अभी और शायद मुझे लगता है कि 1-1.5 महीना मैं और ना जाऊँ, क्या करूँ। पर ना अगर 1-1.5 महीना नहीं गई ना तो मेरा मेरा जो फेस है ना पूरा महिषासुर हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी ब्लैक ब्लैक भी हो गया है फोर हेड पर बालों की वजह से। तो क्या देखते हैं, प्लान बनाते हैं अपना ऐसे टाइम पे जैसे टाइम पे कि कोई भी ना हो। और अब मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, क्या रीजन है, ये भी मैं आपसे बहुत जल्दी शेयर करूँगी। ठीक है भाई, अनमोल लुट्टी मार रहे हैं। अनमोल कैसे लेटते हो, सीधा लेटा करो, ऐसे क्यों लेटते हो आप। तो इनको नींद नहीं आ रही है, अब ये सोएंगे है ना, अभी हम सो रहे जा रहे हैं ना। तो अनमोल और मेरे को आ रही है नींद क्योंकि ठंडी ठंडी हवा लग रही है पंखे की, तो पंखा बंद कर दूँ ना तो एकदम ना पसीने आ जाते हैं। और नीनी आ रही है ना अनमोल, मुझे नहीं, इसको मैं सोऊंगी ना तभी ये सोएगा तो शांति रहेगी घर में। तो अभी हम थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइस अभी अभी ना हम मैं सो के उठी हूँ, और उधर देखिए अनमोल अभी सो रहा है, बहुत अच्छी नींद आ रही है, और अभी भी ना नशा सा छा रहा है, पर थोड़ी हल्की हल्की सी ना भूख लग रही थी। तो अभी हस्बैंड भी आए नहीं है, उन्हीं का वेट हो रहा है, तो उठना तो है ही, पर ऐसा लग रहा है पता नहीं किसी ने ना दारू पिला दी हो। और यहाँ खाऊंगी मैं अब ये रबड़ी, रबड़ी जो लिख के आई थी ये मेरे लिए, तो मुझे बहुत पसंद है ये, तो बस इसी को खाऊंगी अभी। आ गई आप, कब से वेट कर रही थी। देखा देखा। और यहाँ पे अनमोल की पढ़ाई हो रही है, और ये देखिए कितना अच्छा बना रहा है ये, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कितना सुंदर सुंदर बना रहा है ना, वेरी गुड बेटा, ऐसी पढ़ो। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के साथ ना बहुत अच्छी सी रेसिपी शेयर करूँगी, अब मुझे लगता है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ वो रेसिपी क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैंने 2 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, और 3 प्याज लिया है मीडियम साइज़ का, बड़े हों तो आप बड़े प्याज भी ले सकते हैं। तो मैं ना इनको पहले मोटा मोटा काटना है क्योंकि इनको मिक्स ही करना है, तो मिक्स। उसके बाद देखिए मैंने 2 लौकी लिए हैं, दोनों लौकियों को ना मैं अच्छी तरह से मैंने छील लिया है, और ये जो लौकी था ना थोड़ा सा ख़राब भी था तो इसलिए मैं देख रही थी। और हमें इस चीज़ को बनाने के लिए ना आपको ना मतलब कच्चा लौकी चाहिए, उसमें जैसे थोड़ा सा कम बीज हो। तो उसके बाद ना इस लौकी को कद्दूकस करना है, और कद्दूकस आप उस साइड से करें जो ज़्यादा बारीक साइड हो, क्योंकि जितना बारीक साइड होगा उतना अच्छी ये रेसिपी आपकी रेडी होगी। तो उसके बाद देखिए इस तरह से ना लौकी का पानी जो है वो निकालना है, पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, उसके बाद इस तरह से पानी निचोड़ें। तो मैंने लौकी को तो पानी निकाल के एक तरफ रख दिया, उसके बाद ना मैं टमाटर और प्याज को मिक्सी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले टमाटर मिक्सी कर लिया है, और उसके बाद मैं प्याज मिक्सी करूँगी। टमाटर पहले मिक्सी कर लो ना, प्याज बाद में करो, तो फिर आपको थोड़ा भी पानी डालना नहीं पड़ता है, इसलिए तो मैं हमेशा हमेशा टमाटर ही करती हूँ। और ये देखिए मैंने ना लौकी के इस तरह से बॉल्स ही बना ली थी। तो आप कहोगे पहले आपने पानी निकाल लिया, आप क्यों निकाल रही हो, तो इसमें आप जितना पानी नहीं रहेगा ना उतना अच्छा रहेगा। तो मैंने सोचा कि एक बार और निकाल लेती हूँ बनाने से पहले, क्योंकि पानी की मात्रा ना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो देखिए गाइस मैंने छोटा छोटा सा प्याज काटा था, आधा प्याज हो गया ये। उसके बाद देखिए मैंने इसमें धनिया ऐड किया है, धनिया को मैंने काट कर वॉश करके रख लिया था। उसके बाद मैं इसमें मिर्च ऐड कर रही हूँ, अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, और हल्दी तो थोड़ा सा कलर आने के लिए, और धनिया पाउडर। नमक नहीं डालना है, नमक डालेंगे तो आप ये बहुत सारा पानी छोड़ेंगे, इसलिए नमक नहीं डालना है। उसके बाद ना बेसन की मात्रा आपको इतनी लेनी है, जैसे हम पकौड़े में बेसन डालते हैं ना, तो इस तरह से हो जाए मिक्स हो जाए मिल जाए। तो उसके बाद देखिए इस तरह से बॉल्स ही बनानी है छोटी छोटी सी। तो ये देखिए कितनी आराम से बॉल्स ही बन रही थी, बहुत छोटी छोटी सी। अब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए ना, तो उसमें आप इसको बॉल्स ही को छोड़ देंगे। तो ये देखिए मैंने सारी बॉल बना ली थी ऐसे लौकी की। तो ये इसी जो रेसिपी है ये लौकी की कोफ्ते हैं, और बहुत अच्छी रेसिपी बनती है ये। तो ये देखिए अच्छी तरह से सिक गए हैं, ब्राउन हो गए हैं। आप इनको ना तो चाय वगैरह के साथ भी खा सकते हैं, काफ़ी टेस्टी लगते हैं।
गाइस ये देखिए हमारे कोफ्ते बनके रेडी हो गए हैं और कितने अच्छे सिके हैं। तो अब मैं आपको सब्जी बताती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो इनको साइड में रख देते हैं और ऑयल ज़्यादा है, ऑयल को निकाल लेते हैं। तो अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैंने थोड़ा तेल की मात्रा ज़्यादा ली थी, फिर उसमें मैंने हींग डाला, जीरा डाला और जो मैंने प्याज को मिक्सी कर रखा था वो मैंने इसमें डाला। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर का पेस्ट जो रेडी कर रखा था उसको ऐड कर दिया है। उसके बाद फिर से मैंने इसमें धनिया पाउडर और नमक, मिर्च और ये सब डालूँगी। नमक भी इसमें ऐड कर दिया है मैंने। तो इस ग्रेवी में ना, इस ग्रेवी को आपको थोड़ी देर के लिए गैस पे ही रहने देना है। और मैंने इसमें थोड़ी सी पानी की मात्रा भी डाली थी, बहुत थोड़ी ग्रेवी में ही डाली थी। उसके बाद जो आपने लौकी के बॉल्स बना रखे थे वो इसमें आपको डाल देने। और गाइस अपने इस ग्रेवी को आपको कितना गाढ़ा रखना है उसके मुताबिक इसमें पानी। तो गाइस मैं जा रही हूँ इनको खाने, क्योंकि मुझे खाना बनाते बनाते मुझे ना हमेशा खुद भूख लग जाती है। और ये दो कोफ्ते मैंने निकाल भी लिए हैं, इनको मैं खुद भी खाऊंगी। और ये थोड़े से किंगू हैं। अनमोल पापा पर्दा लगा दीजिए, चलिए उठिए, काम लास्ट है, इसे भी कर दो। उठो, गाइज ये ना पर्दे रह गया था इस वाले रूम का, सिर्फ इसी विंडो का रह गया था। तो ये ना कभी बाहर लेके जा रही है, कभी चेयर को। तो मैं इनसे ऐसी मस्ती कर रही थी, मैंने कहा कि आप ना ड्रिंक कर लिए, जो आपको पता है जहाँ पर्दे लगे हुए वहाँ तो लगेंगे नहीं। तो इस पर्दे को जो पाइप है इसका, मैंने इसको पहले साफ़ करवाया फिर उसके बाद लगवाया। बस यही वाली मेरी विंडो के पर्दे रह गए थे, इसको सारे पर्दे मेरे हमारे वॉश हो चुके हैं। तो मैं ना इसको अच्छी तरह से एडजस्ट कर दूँगी, क्योंकि ये इस तरह से लगा देते हैं ना यही काफ़ी होता है, क्योंकि मेरा हाथ नहीं पहुंचता है लगाने पे। और ये देखिए मैं इनको सेट कर लूँगी, इनकी चुन्नट वगैरह जो भी हैं वो अच्छी तरह से मैंने लगा दिए हैं। और गाइस यहाँ देखिए हमारे कोफ्ते बनके रेडी हो गए हैं, बहुत ही अच्छे बहुत ही यम्मी वाले कोफ्ते बने थे। तो बस मैं इसको अलग बर्तन में करके रख देती हूँ ताकि कढ़ाई भी साथ के साथ साफ़ हो जाए। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। गाइस देख लीजिए हमारी सब्जी बनके रेडी हो गई है, कितनी यम्मी यम्मी बनी है। और गाइस ये खाने में भी बहुत ज़्यादा ही टेस्टी थी। तो यहाँ बस मैं रोटी खा रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड ने ना इसे वैसे चम्मच से चक्के देखा था पकौड़ी टाइप से, तो वो बोल रहे थे कि अनु जल्दी से रोटी सेक दो, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं खाने में, तो भूख बढ़ गई है। तो बस इनके लिए मैंने थाली लगा दी है। गाइस